हाँ आप यहीं हो सेंटर सब यहाँ देखिए बस चलिए चलिए ओके सर थैंक यू सर एक मिनट बाय मैम आगे वाइट है लड़का मैम राइट से लेफ्ट देख लीजिए ठीक है पहले फोटो देख लो फिर हमारे पास आइए अब हो गया फोटो हो गया भाई लेफ्ट 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 उसके बाद पीछे हो जाओ थोड़ा इधर भी बोलो इधर इधर लुक देना थोड़ा जी सर सेंटर सर अभी तो मैं बेस्ट अभी बोलता हूँ अभी बोलता हूँ और राइटर्स अब भी दो मिनट जी सर फोटो लिया वहाँ फोटो थैंक यू सर या सर या आजा फोकस आउट हो गया सेंटर में देखिए सर सेंटर में आपके एक सेकेंड अगेन सेंटर में देखिए वेट 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 डन डन ना कौन सी रियल मैम सर थोड़ा यहाँ आइए ना ताकि पोस्टर का आप आइए हाँ 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 इसलिए पोस्टर भाई हाथ आगे मत मैं खाली बोला उनको अभी आप पीछे हो गए ना भाई हाथ डाल लो डालने का कौन अपने होते हाथ मत डालो कुछ और डालो डालने की शौक है तो कुछ और डालो सुबह वहीं से कर दो चलिए चलिए मैम यहाँ पे मैम सामने सब जगह सब जगह पीछे ले रहे सेंटर सेंटर मैम इस साइड भी कीजिए थैंक यू It's my birthday today. आपको मुझे विश कर सकते हैं। Happy birthday. Thank you. Party. और आप सबको मकर संक्रांति भी। Party. धन्यवाद। पार्टी चाहिए मैं फोटो मार ले भाई आती चाहिए मैडम को हैप्पी बर्थडे करते करते सांद रहे ओके वेट 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 सर यहाँ पर मैम थैंक यू हाँ सामने देखो सर साथ में नहीं आइए आइए सर यस यस आइए सर आइए सर कॉमेडी आएंगे सर हाँ सर सामने अरे ये कौन लाइट मारा रे व्हाइट लाइट क्यों मारा रे अरे कौन मारा लाइट भाई सर सामने सर सामने धन्यवाद
थोड़ा सा पीछे हो जाओ, हां सर पीछे हो जाओ तो फुल लेंथ पे चलो सर। सर आगे सर आगे सर आगे अजयन भाई कैसे आप? बस बढ़िया सर। आइए, हैप्पी न्यू ईयर आपको। हाँ वो चलता पूरा था। सोलो चलिए अरे नहीं सर। हाँ और स्मार्ट हो गए अजयन भाई to invite you sir over here. This is such a pleasure. And now I would like to invite a very handsome personality, a very very attractive singer and actor. Music and art is in his blood. So the son of Mr. Shekhar ji, Mr. Adhyam Suman, can we have a big clap for him? And now I would like to invite over here the beautiful, the gorgeous, she won Femina Miss India 2018. She won the title of Teen International in 2016. So please welcome Steffi Patel over here, the gorgeous. She worked in Tollywood and Hollywood. And now I would like to invite a very fantastic Bengali dancer. Bhai, pura she light has been the finalist of the biggest reality show, Dance India Dance, and she has worked for him, for her. And now I would like to invite the writer of this film and the writer of a very famous film, Zilla Ghaziabad. Please welcome, with a huge clap, Mr. Vinay Ram Kishan Sharma. Welcome. So, welcome all of you. Look at the happy faces over here. And now, I would like to invite the captain of the ship, a very fantastic actor, amazing director. Please welcome him over here. Short introduction I want to give. The director of Kings of Mafia, Mr. Manish Vatsalya. Inko humne sabse pehle dekha tha as an actor.
actor, the very famous song Teri Diwani, and then his first film was Jina Hai To Thokda. Wow, what a movie. Ye film gayi thi best foreign feature film in Mexico and after all, Scotland. He's the director of the film, Scotland. So, आपका हम यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं. Welcome all of you. So, I would request all of you, please take a seat. चलिए. Okay, so let's get ready for the launch of the poster of the film, Kings of Mafia. Come on everyone, तालियों के साथ में तैयार रहिएगा आप सभी अपने. Well, ये शुरुआत है. ये टाइम बहुत ही स्पेशल है. इट्स अ स्पेशल टाइम. कैन वी हैव अ बिग क्लैप ऑल ऑफ यू. हेलो. ऑलराइट. कैन वी हैव अ बिग क्लैप. सोच के साथ कि इसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे और सब फिल्मों से अलग बनाएंगे, जुदा बनाएंगे. हालांकि एक कठिन सा ये एक सवाल हो जाता है जब आपसे पूछा जाता है कि ये और फिल्मों से कैसे अलग होने वाला. आप कहते हैं कि जब वो हमारी कोशिश थी हम इसे और फिल्मों से जुदा बनाए, अलग बनाए, तो आपके किरदार में क्या खासियत थी. तमाम सवाल जो उठेंगे उसके एवज में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा जिंदगी में ये किरदार मैंने सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि मुझे इसकी दाढ़ी बहुत पसंद है. ये आप देख सकते हैं. सो ही लुक्स डिफरेंट एंड आई एम श्योर. हुसैन जैदी नाम का एक किरदार है जो एक सीरियन टेररिस्ट भी है, बिजनेसमैन भी है. इसका जो ग्राफ मनीष ने मुझे सुनाया वो बहुत ही खूबसूरत. तो फिल्म का जो जो नसीब है उसकी किस्मत उसी वक्त पता चल जाती है जब डायरेक्टर आपको उसका नरेशन देता है, वो किस सफाई से देता है और उसका फ्लो कैसा रहता है, उसका ग्राफ उसके सर पे, उसके दिमाग, उसके जहन में कितना अच्छे से छपा है, ये नरेशन के दौरान पता चल जाता है. तो मेरे ख्याल से मनीष इज वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट हिज सब्जेक्ट, अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स दैट ही स्केच्ड ऑन हिज माइंड. और अथिन का रोल भी बहुत ही खूबसूरत है. आपको जैसा कि इनको इनके बारे में बताया गया कि एडम के बारे में, एडम सैली, राइट, एडम सैली, ही इज बीन इन स्कॉटलैंड यार्ड एंड ही इज बीन अ कॉप, ही इज अ प्रोड्यूसर, ही इज एन एक्टर. तो ये बड़ी बात होती है कि एक आदमी में इतने सारे गुण हों.
मुझे ऐसा लगता है कि जब अच्छे लोग अच्छी नीयत के साथ और पूरी सकारात्मकता के साथ जब जुड़ते हैं तो चीजें अच्छी होनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रणाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप इतने दूर से तशरीफ लाए दिल्ली खास इस उत्सव के लिए, इस जलसे के लिए, तो एक बार हम चाहेंगे कि प्रणाल साहब के लिए तालियां बजाते हैं। और भी जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सब हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, सब अच्छे हैं जिन्होंने अपना वक्त निकाला है इसके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि किंग्स ऑफ माफिया सिर्फ एक शुरुआत नहीं है बल्कि एक एक जर्नी है जो आगे जाने कहाँ खत्म होगी, पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है कि चैप्टर वन, अभी चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, फोर कहाँ तक जाती है ये देखना। पर मैंने शुरुआत में जैसे बात कही कि अच्छी नीयत से अगर आप कुछ भी करने के लिए आगे निकले तो उसका अंजाम अच्छा ही होगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ, और आपको एक बार फिर से बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं संगीत टीम और स्टूडियो लिमिटेड को थैंक कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया है कि जो माफिया पे है, किंग्स ऑफ माफिया चैप्टर एशिया, चैप्टर एशिया, मैं इसमें सबसे पहले दे आर गोइंग टू कवर ऑल दिस एशियन माफियाज। एंड आई एम सो सो ऑनर्ड टू हैव शेखर जी एंड हिज सन। So I'm proud of it because I'm trying to make son to kill his dad. So let's hope it's not happened in real life, sorry. They both are like well known, I don't have to tell anything about them. Oh sorry, man, I'm really good. Man, mujhe lagta hai ki in logo ki koi, we don't have to tell about them. They are well known. I'm really proud. And I would like to thank everyone who is in my team, including the beautiful lady. As well. और देखते हैं ये नया कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वी विल बी प्लानिंग टू गेट ऑल द लोकल टैलेंट्स। डजंट मैटर इफ वी शूट इन इंडिया, एनी वेयर कंट्री, वी विल हैव अ लोकल टैलेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। सब कुछ कह रहे, कुछ बचा नहीं कह रहे, हमेशा की तरह। बट योर वॉइस इज अमेजिंग, वी वुड लव टू हियर। नहीं नहीं, अभी आई थिंक किसी और दिन काम हो डेफिनेटली, बट सबसे पहले थैंक यू एवरीवन। और माइक बंद हो रहा है। मैं बहुत ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर होने के लिए, और आई थिंक ये साल मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज बहुत से काम मैं करने जा रहा, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं सर आश्रम के बाद आप दिख क्यों नहीं रहे, तो होपफुली मैं इतना दिखूँगा आप लोग बोल जाएंगे मुझसे, बट नहीं जोकिंग, बट बहुत कुछ होने वाला है। द फैक्ट दैट आई एम पिनिंग माई नोट वर्किंग विद द बिगेस्ट डायरेक्टर इन द कंट्री टुडे, इसके बारे में भी अनाउंसमेंट नहीं हो चुकी है, बट सो मेनी एक्साइटिंग थिंग्स दैट आर हैपनिंग टुडे। मनीष जी सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर यू नो हैविंग ऑल द फेथ एंड ट्रस्ट इन मी टू प्ले द टाइटल रोल ऑफ जिमी डिसूजा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, थैंक यू सो मच अगेन बीइंग माय प्रोड्यूसर एंड सॉर्ट ऑफ हैविंग फेथ इन मी। और ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस ऐसा किरदार मैंने प्ले नहीं किया है, सो आई एम एक्साइटेड एंड थैंक यू स्टेफी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सोनू जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट यहाँ तक आया, थैंक यू सो मच, उसको तो मैं भूल ही नहीं सकता लाइफ में। सर थोड़ा कहानी के बारे में कुछ बताइए प्लीज। तो अब मैं इनवाइट करूंगी, आपके बारे में तो मैं बस यही बोलूंगी कि आप जिस प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं उसका अवार्ड विनिंग होना तय है। सो बिग हैंड फॉर मिस्टर मनीष वात्सल्य, एंड वी वांट टू हियर सम वर्ड्स फ्रॉम यू। यू आर द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, सो एवरीबॉडी इज एक्साइटेड। पहले तो आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप लोग यहाँ तक आए अपना कीमती वक्त निकाल कर, और जो बातें शेखर सर ने कही, मैं बचपन में जब मैं बिहार में पैदा हुआ और शेखर सर को देख देख कर बड़ा हुआ, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके सामने बैठना, उनके बगल में बैठना मेरे लिए बहुत ही इज्जत वाली बात है, और एक अभिनेता के लिए और एक उनका एक प्रशंसक होने के नाते मैं बड़ा खुश भी हूँ, और जब मैं इनको नरेशन देने गया था तो थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन मैंने कोशिश की एक अच्छी स्टोरी सुनाने की, और सर ने सुनने के बाद उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और उसके बाद फिर मैंने एक्चुअली सर से पहले मैंने अध्ययन को ये स्टोरी सुनाई थी और उन्हें बहुत पसंद आया था, और एक लंबा प्रोसेस है बिकॉज जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर एडम सैनी,
वो उनसे बड़ा लंबा रिश्ता है और मैंने उनके साथ इसके पहले एक फिल्म की थी, इस फिल्म का नाम था स्कॉटलैंड, कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं इस फिल्म को। तो उसके बाद एक समय लगा, कुछ लंबा समय है, जब फिर से एडम सर को मैंने इंडिया इन्वाइट किया कि एक और कुछ बनाते हैं साथ में। तो ये बेसिकली एक किंग्स ऑफ माफिया, ये एक सीरीज है जो 100 एपिसोड्स की होगी, जिसमें ये पहला सीजन है हमारा जो 10 एपिसोड का होगा। इसके बाद जो है हम तकरीबन 100 एपिसोड इसका बनाएंगे। और ये जो कहानी है ये सीरियन माफिया, सीरियन टेररिस्ट के ऊपर बेस्ड है। और पहली बार शेखर सर इसमें एक बहुत ही अलग किरदार प्ले करने जा रहे हैं, जो मेरे लिए भी, जब मैंने इनका गेटअप और भी इनका पूरा स्ट्रक्चर देखा तो मैं बड़ा हतप्रभ रह गया कि मतलब सर का उस रूप में आना ये पहली बार हो रहा है। तो वो कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि परवाह नहीं परवाज को कि पर काट लेगा कोई, कि परवाह नहीं परवाज को कि पर काट लेगा कोई, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए, और आप सब हमसे, कुछ लोग बड़े हैं और कुछ लोग हम साथी हैं, कुछ लोग छोटे हैं, सबका प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए इस प्रोजेक्ट के लिए। आप लोगों की शुभकामनाएं, हमें की आवश्यकता है हमें, और बहुत जल्दी हम मार्च में इसको हम फ्लोर पे लेके जा रहे हैं, इसकी पूरी शूटिंग हम विदेशों में करने वाले हैं। तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मकर संक्रांति और पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो इतने शुभ दिन हमें कर रहे, आई एम सो हैप्पी एंड आई थिंक दिस इज, ये मेरा पहला मीडिया इंटरेक्शन है बॉम्बे में, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप कि और मैं देखती रहूँ। स्टार्टिंग एडम सर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड टू मेक ऑल ऑफ दिस हैपन, इट्स रियली ब्यूटिफुल। मनीष सर, द कैप्टन ऑफ द शिप, थैंक यू सो मच फॉर ऐसा जो आपने लिखा है द स्टोरी। ऑब्वियसली आई कांट रिवील मच, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने जितनी भी फिल्म्स की है, मेरा कैरेक्टर और इसमें जो मैं प्ले कर रही हूँ, इसका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। यू कैन सी इन द पोस्टर, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ प्ले नहीं किया अब तक। सो एज एन एक्टर ऑल्सो, जब आप कुछ अलग प्ले करते हैं तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इट्स फैन मोमेंट मैं बोलूं या क्या बोलूं, नर्वस बोलूं, शेखर सर टू उनके साथ बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि बचपन में जब मैं सोचती थी मैं एक्टर को भी बनूंगी, थैंक यू गॉड ऐसा आज पॉसिबल हो रहा है, बट आई हैव सीन देम ऑन स्क्रीन थिंकिंग कि गॉड आई विश कभी मैं इनसे मिल पाऊँ, पर भगवान की बहुत कृपा रही है कि मैं एक्चुअली काम कर रही हूँ उनके साथ। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बींग सो स्वीट। आई मीन बींग एन एक्टर, अच्छे एक्टर होना तो डेफिनेटली एक अलग बात है, पर आप इतने अच्छे इंसान हैं जो कि बहुत बड़ी बात है एंड वेरी हैप्पी टू शेयर स्क्रीन विथ यू। अध्ययन द हैंडसम गाय, एवरी वन लव्स हिम ऑफ कोर्स, एंड आई वॉज टेलिंग हिम वेन ही मेड हिज डेब्यू ऑन स्क्रीन, आई वॉज लाइक वो हू इज दिस, व्हाट एन एक्टिंग, व्हाट अ परफॉर्मेंस। एंड जब मैं इनसे मिली पहली बार से, आई वॉज सो एक्साइटेड और मैं बहुत खुश हूँ टू शेयर स्क्रीन विथ सो मेनी अमेजिंग एक्टर्स और आई होप आई डू जस्टिस। सो किंग्स ऑफ माफिया शूटिंग हम जल्दी शुरू कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया जो भी यहाँ पर आए हैं, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट टीम, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बिग हैंड फॉर हर एंड नाउ लेट्स